अरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपकी हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 15, दिन और महीने। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिनों का समूह। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, और 7 दिनों को मिला के बनता है सप्ताह। दिन और रात मिलाकर एक दिन बनता है। दिन और रात मिलाकर एक दिन होता है। प्रत्येक दिन का अपना अलग नाम है। प्रत्येक दिन का अलग अलग नाम होता है। सोमवार, मंगलवार, कुछ दिनों के एक से अधिक नाम भी होते हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं दिनों के नाम। दिनों के नाम दिए गए यहाँ पे हिंदी के नाम दिए गए हिंदी में यहाँ पे दिनों के, और यहाँ पे दिए गए अंग्रेजी के नाम। रविवार, इतवार, दो नाम दिए गए हैं, रविवार और इतवार। इंग्लिश में कहते हैं इसको संडे। संडे को क्या होता है? हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है। फिर है सोमवार, मंडे, मंगलवार, ट्यूसडे, बुधवार, वेडनेसडे। अब यहाँ पे देखिए, बृहस्पतिवार, गुरुवार, वीरवार, तीन तीन नाम दिए गए हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्सडे। तो इन तीनों में से हम कोई सा भी एक नाम इसको कह सकते हैं। बृहस्पतिवार भी, गुरुवार भी, या फिर वीरवार भी। यहाँ पे दिया गया है शुक्रवार। शुक्रवार को इंग्लिश में कहते हैं फ्राइडे। यहाँ पे दिया गया है शनिवार। शनिवार को इंग्लिश में कहते हैं सैटरडे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।